फोटोशॉप की इंट्रोडक्शन वीडियो 2021 में आपको वेलकम करती हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फोटोशॉप क्या होता है और हम उस पर कुछ बेसिक वर्क भी करेंगे मीन के फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर को यूज़ भी करेंगे थोड़ा बहुत आज आपको उसका बेसिक बताऊंगी क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो ज़्यादा हाई नहीं लेके जाऊंगी तो पहली चीज़ क्या है वट इज़ फोटोशॉप एज यू नो कि फोटोशॉप एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और ये एक एडोबी का सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर हम पिक्चर्स की एडिटिंग करते हैं और एक और चीज़ ये जो है हमारे पास रास्टर सॉफ्टवेयर है वेक्टर का सॉफ्टवेयर नहीं है अब रास्टर क्या होता है वेक्टर क्या होता है रास्टर सॉफ्टवेयर जो पिक्सल से लेके बना होता है ठीक है आप इसमें अगर पिक्चर को जूम जूम करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा आपको उसके पिग्जल फटे हुए फील होंगे जबकि जो वेक्टर होता है उसमें आप जितना भी जूम कर लें उसमें पिग्जल्स का काम नहीं होता तो वो उसकी जो क्वालिटी होगी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खैर हम आगे जाके अडोप एलिस्ट्रेटर भी स्टार्ट

ये ओपन हो रहा है यह मेरे पास ओपन हो चुका हुआ है मैं इधर से इसको मैक्सिमाइज कर देती हूँ तो इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस है हमारे पास तो ये जो है फ़ोटोशॉप की टूल्स हैं बेसिक वर्क हमने करना ही इन टूल्स पे हैं अभी ये मैं फ़ोटोशॉप की बिगनर सीरीज लेके चलूंगी इसमें मैं आपको टूल्स की आइडेंटिफिकेशन बताऊंगी आज फर्स्ट क्लास है आज मैं ज़्यादा हाई नहीं लेके जाऊंगी आपको जस्ट ये मैं टूल्स के बारे में बताऊंगी कुछ सिलेक्शन टूल हैं लाइक मार्किट टूल्स के बारे में ही बताऊंगी बट उससे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पे हम लेके आते हैं लाइक मैं मैं फाइल पे गई यहाँ से मैं न्यू पे गई ठीक है अब मैंने यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे मेरे पास कुछ कस्टम पड़े हुए हैं कि लाइक जिस तरह हमारे पास पेपर है एक कैनवस जिस पे मैंने काम करना है उसके लिए आप यहाँ से साइज ले सकते हैं जो कस्टम पड़े हुए हैं यहाँ फिर आप यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकते हैं अब ये अनटाइटल है इसको नेम दे दे कुछ भी मैं फोटो शॉप क्लास वन कर देती हूँ और यहां से मैं इसका साइज वर्थ को 800 कर देती हूँ और हाइट को 500 हंड्रेड ही रहने देती हूँ रेजोल्यूशन जो है अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक पिक्सल इंचज में है और एक सेंटीमीटर में है आप इसको पिक्सल इंचज में ही रहने दें अब ये कलर मोड है आपको किस तरह का कलर चाहिए अब मैं यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है आर जी बी कलर यानी रेड ग्रीन ब्लू इसी को रहने दे सिलेक्शन में बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम फोटोशॉप में आगे जाएंगे आपको बताऊंगी कि क्या होता है ठीक है अब ये बैकग्राउंड कॉन्टेंट देखे यहाँ पे वाइट है ब्लैक है मीन की आप जो भी अभी सिलेक्ट करेंगे उसका कलर कौन सा हो वाइट ही रहने देती हूँ और मैं यहाँ से इसको क्रिएट कर देती हूँ तो ये देखें इस तरह का मेरे पास अपीयर हो गया अब सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ आती है वो मेरे पास ये मार्केट टूल्स आती हैं जिस तरह इसमें रेक्टेंगल मार्के टूल है मैंने इसे क्लिक किया मैं इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकती हूँ ये मैंने कंट्रोल टी दबाया है इस टाइम और यहाँ से उठा के इसको मैं मूव कर सकती हूँ ये जो है मेरे पास मूव टूल है ये ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज होता है कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक अभी जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल एक बनाया इसको मैं इस तरीके से मूव कर सकती हूँ इस मूव टूल के यूज से अब इस सिलेक्शन का क्या फ़ायदा मेरे पास मैं आपको जस्ट इसका एक यूज दिखा देती हूँ ये ब्रश टूल है इसको मैंने क्लिक किया ये यहाँ से इसके कलर को आप सेट कर सकते हैं मुझे लाइक मैं ये वाला ले लेती हूँ और ओके कर देती हूँ अब आप देखेंगे कि ये देखें मेरा जो इस टाइम कलर आएगा ये देखें बाहर भी जा रहा है बट वो बाहर कलर नहीं हो रहा ठीक है ये देखिए मैं इस तरह से कलर कर सकती हूँ आपकी मीन के आपका सिलेक्टेड एरिया के अंदर ही कलर होगा ये देखें ये देखे, मैं जितना भी बाहर चली जाऊं कलर उसने सिलेक्टेड एरिया के अंदर ही करना है इसका ये फायदा होता है ये इस पर्पज के लिए हम हाँ इन्हें यूज कर सकते हैं क्लियर उसके बाद मेरे पास मैं इसी तरह इसको राइट क्लिक करूं यहाँ पे ये देखिए मेरे पास इलेक्टिकल मार्किंग टूल है जो कि एक सर्कुलर शेप देती है अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं ठीक है अब मैं इसको एक सेकंड में यहाँ पे इसके कंट्रोल डी किया मैंने इसकी सिलेक्शन कंट्रोल डी से जो है सिलेक्शन खत्म होती है अब बनेगा ये देखिए इस तरह से मैंने अगर बनाया तो ये मेरे पास उसी डायरेक्शन में जाएगा बट मैं अगर कंट्रोल दबा के बनाऊंगी तो वो फिर मेरे पास एग्जैक्ट शेप में आएगा ठीक है अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट किया इस तरह से बनाया तो ये देखें क्या हो गया अब यहाँ पे मेरे पास ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं अगर मैं कंट्रोल डी से इसको डी सेलेक्ट करती हूँ इसको क्लिक करके अगर यहाँ पे बनाऊं ठीक है एक और अब मैं इसी तरह से बनाती हूं इसको मैंने सेलेक्ट किया है आप देखिएगा कि क्या फर्क पड़ेगा ये देखें इसने उस जगह को जो है खत्म कर दिया और जस्ट सेलेक्टेड एरिया में ही रहा फिर हम इसमें कलर भी कर सकते हैं लाइक मैं यहां पे आ गई यहां से कोई और कलर अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्ट करूंगी ये इस तरह से कलर की सिलेक्शन होगी बाद में ब्रश टूल पे जब हम आएंगे तो उसका भी मैं आपको क्लियर सब कुछ बताऊंगी ये देखें सिलेक्शन से बाहर कलर नहीं होगा इसका ये फायदा होता है अब मैंने अगेन इस पे क्लिक किया और अगर अब मैं इस पे ये देखे सब्ट्रेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ये जो पहला था एड टू दी सिलेक्शन मीन के उस सिलेक्शन के अंदर मजीद एडिशन हो रही थी अब मैं सिलेक्ट सब्ट फ्रॉम दी सिलेक्शन अगर करूं तो ये देखें अब ये रिमूव हो जाएगा ये वाला एरिया ये देखें बट वहां पे कलर था वो वैसे ही रहा यहां से मैं इसको ये कर देती हूँ ये देखें तो ये इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं मैं थोड़े और सर्कल बनाती हूँ यहाँ पे एक जैसे कि एक सेकंड कंट्रोल डी से डी स्लिप किया ये बनाया मैंने ये बनाया मैंने ये सब्ट्रेक्ट कर रहा है ये देखें लाइक कंट्रोल डी अब मैं यहाँ पे बनाया एक बल्कि यहाँ पे बनाती हूँ ये बनाया मैंने और यहीं पे एक और बनाती हूँ ये देखिए इस तरीके से एक मैंने मून की शेप बना दी है तो आप लोग इस तरह से डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए भी इनको यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये इस तरह से मैंने अभी आपको दो का बता दिया एक रेक्टेंगल और एलेप्टिकल मार्किंग टूल मैं यहां से इसको क्रॉस करती हूँ मुझे ये नहीं चाहिए मैं एक और लेके आती हूँ ओपन कोई इमेज भी हम लेके आ सकते हैं उस पर काम कर सकते हैं ये जिस तरह ओपन को दबाएं तो मैं इस इमेज को लेके आ सकती हूँ बट मुझे फिलहाल इमेज नहीं चाहिए न्यू पे ही आके मैं एक और ले लेती हूं अब मैं आपको बताऊंगी सिंगल रो मार्किंग टूल और सिंगल कॉलम मार्किंग टूल के बारे में अगर मैंने सिंगल रो पे क्लिक किया और मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए सिंगल है अब मैं इसको क्या करूंगी मैं यहां से राइट right क्लिक कर सकती हूँ ये स्टॉक का जो ऑप्शन है इस पे मैं आई यहाँ आप इस अपनी मर्जी के मुताबिक कर लें मैंने टेंट किया कलर मैं यहां से जरा चेंज ले लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि काम क्या हो रहा है ये मैंने कलर ले लिया इसको मैंने ओके कर दिया अब ये लोकेशन इनसाइड सेंटर या आउटसाइड मैं सेंटर करती हूँ और ओके करती हूँ तो ये देखें इसने मुझे वो पैटर्न बना के दे दिया मैं कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म करती हूँ तो ये देखें इसी तरह आप डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं इनके यूज से मैंने राइट क्लिक किया स्ट्रोक पे आई यही रहने देती हूं और मैं यहां से कर देती हूँ इनसाइड और मैंने कर दिया ओके okay. ये देखें जूम करके दिखाती हूँ कंट्रोल डी ये देखें इनसाइड अब लाइन बनी है यहाँ पे क्लिक किया राइट right क्लिक किया स्ट्रोक पे आई और मैंने आउटसाइड किया और ओके okay कर दिया तो ये देखें उस लाइन की आउट पे बदल कंट्रोल डी ये देखें इस तरीके से आप डिफरेंट पैटर्न अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं अब मैं अगर मल्टीपल चाहती हूँ मैंने एक क्लिक किया फिर मैं सेकंड टाइम करूंगी तो देखिए पहली जगह से गया मैं चाहती हूँ तो मैं शिफ्ट के साथ दबाती जाऊंगी ये देखें शिफ्ट को प्रेस करके रख रहे की बोर्ड से तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा अब मैं एडिट पे जाके भी स्ट्रोक पे जा सकती हूँ एडिट पे, पे क्लिक किया ये मेरे पास स्ट्रोक का ऑप्शन है मैंने उस पर क्लिक किया और मैं सब पे चाह रही हूं कि आउटसाइड पे ही हो जाए और ओके okay कर दिया ये देखिए मेरे पास सबकी होगी अब मैंने कंट्रोल डी से डी कर दिया ये देखिए इस तरह से हो गया और अब इसका भी इसी तरह से होगा शिफ्ट के साथ ही मैं रही हूँ एक पैटर्न बना के दिखाती हूँ ये हो गया मैंने एडिट पे गई यहां से ये यह जो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है आप इस पे आके इसको रोटेट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक ये देखें अभी मैंने कंट्रोल टी या तो प्रेस करके आप रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से आप रोटेशन कर सकते हैं ठीक है हो गया मेरे पास अब मैं अगेन इधर आई और स्ट्रोक पे आके इसको भी आउटसाइड करती हूँ और ओके okay कर देती हूँ तो ये देखें इस तरह से हमारे पास पैटर्न बन जाते हैं कंट्रोल डी ये देखें अब दूसरी डायरेक्शन में भी इसी तरह से कर सकती हूँ मैं शिफ्ट के साथ ही करूँगी हेडट में गई यहाँ से ट्रांसफॉर्म में गई रोटेट को क्लिक करूँगी मैं और इस डायरेक्शन में मूव करूँगी डेड पे जाके स्ट्रोक पे जाके इसी यही वाली रैन देती हूँ ओके कर देती हूँ तो ये और कंट्रोल डी तो इस तरह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं देखें एक पैटर्न सा बन गया तो ये इस तरह से हमारी ये जो थी मार्किट टूल था मैंने जस्ट आपको मार्किट टूल का बेसिक बताया अभी हम मार्किट टूल को पिक्चर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं बट आज फर्स्ट क्लास है और ये बिगनर सीरीज चल रही है इनशाला आगे आगे जाते जाएंगे मजीद टूल पढ़ेंगे मार्क्यू टूल हो गया अब आगे मैं आपको ये बताऊंगी मैग्नेटिक लेसर टूल्स ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा इन टूल्स का आपको सिलेक्शन करनी आएगी कि किस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं तो मेरे चैनल लर्न एंड फन विद मुन्जा को सब्सक्राइब कर लीजिए फोटोशॉप के आगे बहुत इंटरेस्टिंग बहुत यूजफुल वीडियोस आने वाली है जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होंगी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को वॉच करते रहिएगा थैंक यू अला